एसबीटी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीगंगानगर में घोड़ा गाड़ी पलटने से स्कूली वैन में घुसी लोहे की पाइपें, बच्चों में चीख चिल्लाहट, शुगर मिल अंडर ब्रिज में हुआ हादसा, दो बच्चे हुए घायल। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में शुगर मिल अंडर ब्रिज में बुधवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। अंडर ब्रिज के ढलान पर घोड़ा गाड़ी पलटने से उस पर लदी लोहे की पाइपें पीछे से आ रही स्कूली वैन में घुस गई। हादसे में वैन चालक और दो छोटे स्कूली बच्चे घायल हो गए। एक बच्चे की दाहिनी आंख के पास टांके आए हैं। सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर तकरीबन घंटे भर बाद पहुंची। इस पर लोगों ने नाराजगी जताई और यही हाल स्कूल स्टाफ का भी रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुगर मिल अंडर ब्रिज में आज सुबह घोड़ा गाड़ी लोहे की 10 से 15 क्विंटल वजनी चौरस पाइपें लादकर जा रही थी। ढलान होने की वजह से घोड़ा गाड़ी अंडर ब्रिज में पलट गई। इसी दौरान पीछे से आ रही ई ब्लॉक स्थित एसडी कॉन्वेंट स्कूल की वैन RJ13PA2157 घोड़ा गाड़ी से टकरा गई और उस पर लदी लोहे की पाइपें स्कूली वैन में घुस गई। पाइपें लगने से वैन चालक मेजर सिंह, छात्र कृष और प्रतिज्ञा घायल हो गए। हादसे के चलते वैन में सवार 3 से 7 वर्ष तक के छोटे बच्चे सहम गए और रोने लगे। राहगीरों ने वैन को संभालते हुए लोहे की पाइपें हटाते हुए बच्चों को बाहर निकाला। उनके परिजनों को सूचना देने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। घटना की सूचना पाकर साधुवाली के निवासी अमर सिंह बिश्नोई मौके पर पहुंचे और बच्चों को संभाला। उनका आरोप है कि 1.25 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। स्कूल के प्रिंसिपल को 20 फोन कर दिए लेकिन फिर भी स्कूल से कोई नहीं पहुंचा। राहगीरों ने बच्चों को उपचार के लिए नजदीक के प्राइवेट क्लिनिक पहुंचाया। उनकी बच्ची भी इस हादसे में घायल हुई है। हादसे की सूचना पाकर अंडर ब्रिज पहुंचे जवाहर नगर पुलिस थाना के ASI हरपाल सिंह ने बताया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वैन बच्चों को छोड़ने साधुवाली जा रही थी। अंडर ब्रिज में पहुंचने पर यह हादसा हुआ। वैन चालक मेजर सिंह मौके पर नहीं मिला, जबकि घायल कृष और प्रतिज्ञा को ब्लॉक एरिया स्थित यादव क्लिनिक पर उपचार के लिए लाया गया। खरोंच होने की वजह से दवा देकर कृष को परिजन घर ले गए। डॉक्टर्स ने प्रतिज्ञा की दाहिनी आंख के पास टांके लगाए हैं। मौके पर स्कूल के दो टीचर्स ने भी पहुंचकर बच्चों को संभाला। बाद में उसे भी परिजन घर ले गए। साधुवाली से हमारे बच्चों को जो वैन है एसडी गर्ल्स स्कूल की, वो छोड़ने जा रही थी और शुगर मिल के पास अंडर ब्रिज के पास एक खोता रेडी में जिसमें लोहे के सरिये डाले हुए थे वो पलट गई और हमारी वैन के अंदर लगी है। दो बच्चों को चोटें भी आई है। लगभग 1.25 घंटा हो चुका है यहाँ स्कूल की तरफ से कोई नहीं आया। बच्चों को कोई राहगीर उठा के ले गया है हॉस्पिटल के लिए। अभी तक पता नहीं है हमें कि हमारे बच्चे कौन से हॉस्पिटल में। स्कूल की तरफ से दो टीचर आए हैं 1.25 घंटे बाद, उनको भी नहीं पता है। कोई राहगीर जा रहा था, वो बच्चों को छोड़ने के लिए वैन से लेके गया है। कलेक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, तब पुलिस प्रशासन की एक गाड़ी आई है। अभी तक कोई अता पता नहीं है, कोई सूत्र लेने नहीं आया। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।